तो फ्रेंड्स, आज हम हमारे मोबाइल फोन के अंदर कीबोर्ड और माउस को कनेक्ट करके चलाने वाले हैं इस वीडियो में। तो कहीं से भी मत कीजिएगा, वीडियो को स्किप, बने रहिए वीडियो में। वीडियो को कर लीजिए लाइक और चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। तो फ्रेंड्स, इसके लिए आपको एक फ़ोन की ज़रूरत पड़ेगी जिससे आप अपने कीबोर्ड और माउस को कनेक्ट करेंगे। सबसे पहले आपको ज़रूरत पड़ने वाली है एक फ़ोन की। उसके बाद जो नेक्स्ट आइटम है आपका कनेक्टर है, जिससे आप आपका फ़ोन कनेक्ट करें और अपना जो USB वगैरह, इसमें आपको पोर्ट्स मिल जाए। जैसे आप देख सकते हैं, इसमें आपको USB पोर्ट्स मिल रहा है और हमारा फ़ोन टाइप सी है, तो हमारे पास ये टाइप सी कनेक्टर है। अगर आपका micro USB है तो आप micro USB कनेक्टर का जो सेक्शन है वो परचेस करें, micro USB कनेक्टर परचेस करें और उसका आप यूज़ कर सकते हैं। हमारे पास टाइप सी है तो हमें टाइप सी का यूज़ करने वाले हैं। और इसके बाद हमें ज़रूरत पड़ने वाली है एक माउस की, जिससे हम कनेक्ट करेंगे हमारे फ़ोन से। और इसके बाद हमें ज़रूरत पड़ेगी हमारे कीबोर्ड की, जिस कीबोर्ड को हम कनेक्ट करेंगे हमारे फ़ोन से। चलिए मैं पूरी प्रोसेस बताता हूँ आप किस तरीके से इसे आपस में कनेक्ट करेंगे और क्या क्या सेटिंग्स है, वो सब हम देखेंगे इस वीडियो में। तो फटाफट मैं इसको कनेक्ट कर लेता हूँ। पूरे सेटअप में आपको बता देता हूँ, ये जो है हमारा मोबाइल है, ये मोबाइल से हम कनेक्ट करेंगे हमारे कीबोर्ड और माउस को। और ये जो मोबाइल है, इसको मैंने एक स्टैंड पर रख के रखा है ताकि आपको दिखाई दे इस मोबाइल में जो कुछ हो रहा है। तो फ्रेंड्स, हमारे पास जो है ये है पोट्रोनिक्स का USB कनेक्टर, जिससे हम हमारे USB को कनेक्ट कर सकते हैं हमारे फ़ोन से। देख सकते हैं पोट्रोनिक्स का हमारा ये कनेक्टर है। इसके अंदर आपको 3 जो है USB के पिन्स मिल जाते हैं, जिसमें आप 3 USB जो है पिन्स वगैरह कनेक्ट कर सकते हैं। और एक इधर पे भी है, आप यहाँ पे 4 USB कनेक्ट कर सकते हैं। इसको हमें क्या करना है, इसको हमें सबसे पहले हमारा जो फ़ोन है उससे कर देना है कनेक्ट। तो मैं इसे अपने फ़ोन से कर देता हूँ कनेक्ट। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये हमारे फ़ोन से कनेक्ट हो चुका है। फ़ोन से कनेक्ट होने के बाद ये देख सकते हैं, ये हमारे माउस का USB पोर्ट है, इसको हमें कनेक्ट करना है पोट्रोनिक्स का। ये जो ये आपको USB का सेक्शन दिखाई दे रहा है, इसके अंदर देख सकते हैं मैंने एक कनेक्ट कर दिया, ठीक है। इसके बाद ये दूसरा वाला जो ये है हमारे कीबोर्ड का। तो ये आप देख सकते हैं, मैं इसे अपने जो कीबोर्ड वाला सेक्शन है इसको भी मैं इससे कनेक्ट कर देता हूँ। जो कीबोर्ड का सेक्शन है इसे भी मैंने कनेक्ट कर दिया है हमारा जो मोबाइल है इससे। चलिए अब मैं मेरे फ़ोन को एक्टिव कर लेता हूँ। फ़ोन को एक्टिव करने के बाद इसके अंदर कुछ सेटिंग्स करनी पड़ेंगी। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे ऑप्शन दिखाई दे रहा है आपको, इधर पे ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा इनेबल OTG, वो सेटिंग पे क्लिक कर देना है। और आपकी जो सेटिंग है उसके अंदर आपको जाना है और यहाँ पे जो OTG का सेक्शन दिखाई दे रहा है, OTG, इसको आपको कर देना है इनेबल। जैसे ही आप OTG को इनेबल करेंगे, देख सकते हैं माउस और आपका कीबोर्ड इसमें लाइट जल जाएगी। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे ही मैंने OTG को डिसकनेक्ट किया, आप देख सकते हैं ये हट गया। वापस मैं इनेबल करता हूँ OTG को और देख सकते हैं इसमें लाइट वगैरह जल गई, यानी हमारा जो माउस और कीबोर्ड है ये दोनों कनेक्ट हो चुके हैं। ये देख सकते हैं माउस आपको कर्सर भी दिखाई दे रहा होगा, जैसा कि अभी आप देख सकते हैं। मैं सेटिंग को हटा देता हूँ, बैक कर देता हूँ। देख सकते हैं मैं मेरा मोबाइल से नहीं चला रहा हूँ, माउस से चला रहा हूँ। तो अब जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं YouTube के सेक्शन में चला जाता हूँ। देख सकते हैं पहले से कुछ वीडियोज़ एक्टिव थी, इसको हम बैक कर लेते हैं। बैक करने के बाद फ्रेंड्स, जो सर्च का सेक्शन है उसके ऊपर मैं कर देता हूँ क्लिक, और जो हमारा कीबोर्ड है उससे मुझे टाइप करना होगा क्योंकि यहाँ पर ऑप्शन नहीं आने वाले हैं। तो मैं जो है जो कीबोर्ड का सेक्शन है वहाँ से टाइप कर लेता हूँ VK Tech TV और उसे सर्च कर ले। देख सकते हैं सर्च करते ही आ गया है VK Tech TV पहले नंबर पर। इस पर आ गए हमारा वीडियोज़ का जो सेक्शन है, इसके ऊपर हम आ जाते हैं। और हमारा जो वीडियोज़ वगैरह, आप इसमें से कोई सी भी वीडियो प्ले कर सकता हूँ, मैं जो भी वीडियो चाहूँ वो प्ले कर सकता हूँ। तो फ्रेंड, जैसा कि आप देख सकते हैं, ये जो इसके कीबोर्ड और हमारा जो माउस है, इसकी अनबॉक्सिंग की वीडियो यही मैं प्ले कर देता हूँ, आप देख सकते हैं। और वीडियो को हम बड़ा कर देते हैं, ये देख सकते हैं। सो आप देख सकते हमारा जो माउस है, हम इसका यूज़ करके हमारे इसको यूज़ कर रहे हैं, चला रहे हैं, देख सकते हैं। देख सकते हैं मैं टच का कोई यूज़ भी नहीं कर रहा हूँ, देख सकते हैं। इसको मैं बंद कर देता हूँ। अब बाकी मैं एक आध गेम वगैरह भी प्ले करके दिखा देता हूँ। देख सकते हैं हमारे पास PUBG है, PUBG को एक्टिव कर देता हूँ। पहले मैं इधर से नेट वगैरह एक्टिव कर लूँ मेरा। देख सकते हैं मेरा इंटरनेट जो है वो एक्टिव है, और ये जो PUBG है इसको मैं एक्टिव कर लेता हूँ। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, आपका जो PUBG का जो गेम है वो प्रॉपरली वर्क कर रहा है। हम हमारा जो कीबोर्ड और माउस है उसी की मदद से जो हमारा PUBG गेम है उसे एक्टिव करके खेल रहे हैं। जैसा कि अभी आप देख सकते हैं, W से आगे, फिर S से पीछे, जो ऊपर के जो के गेमिंग कीवर्ड्स होते हैं, D से लेफ्ट राइट, ऐसा जो सारे ऑप्शन जो है कीबोर्ड से वर्क कर रहे हैं। माउस से जो स्क्रीन है वो वर्क कर रही है।
बाकी जो स्क्रीन पे जितने भी इसके बटन्स वगैरह होते हैं पबजी गेम में, जैसे जहाँ पे बंदूक है वहाँ पे बंदूक वाला पॉइंटर आपको जो आपका माउस है वो ले जाके वहाँ पे प्रेस करना पड़ रहा है। तो देख सकते हैं काफ़ी बढ़िया जो एक गेम हमारा चल रहा है, पबजी वगैरह भी आप इसमें आराम से गेम प्ले कर सकते हैं कीबोर्ड और माउस की मदद से, ठीक है ना। और नॉर्मली जो गेम है मुझे काफ़ी बढ़िया लगा। चलिए आप दूसरा गेम भी इसमें प्ले कर लेते हैं और उसके बाद देखते हैं। तो जैसा कि अभी आप देख सकते हैं हमने वर्ल्ड क्रिकेट जो है हमने 2 जो है उसे हमने प्ले कर दिया है, और जैसा कि आप देख सकते हैं काफ़ी बढ़िया वो भी वर्क कर रहा है, प्रॉपरली वर्क कर रहा है। तो आप जो है इस कीबोर्ड और माउस की मदद से गेमिंग वगैरह सब कुछ आराम से खेल सकते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कीबोर्ड की मदद से मैं इस पर गेम प्ले कर रहा हूँ, और देख सकते हैं जैसे ही मैं बटन्स वगैरह का सेक्शन है वो यूज़ कर रहा हूँ वो प्रॉपरली वर्क कर रहा है। तो जैसा कि अभी आप देख सकते हैं इसके अंदर आपका कीबोर्ड का ज़्यादा कोई यूज़ नहीं है क्रिकेट वाले में, ये अधिकतर जो है आपके माउस से ही वर्क करेगा। जैसे अभी आप देख सकते हैं मैं आपको दिखा रहा हूँ बॉलिंग करवा रहा हूँ, तो बॉलिंग करवाते टाइम जैसे ही मैंने फर्स्ट टाइम प्रेस कर दिया तो ये जो है बॉलिंग का जो सेक्शन है ये वाला जो सेक्शन है ये रुक जाता है जो बटन से वर्क करता है, ठीक है। और जैसा दूसरा सेक्शन है एंगल सेलेक्ट करने का, एंगल भी सिलेक्ट हो जाता है। बस जो तीसरा वाला सेक्शन है जिसके अंदर आपको क्या करना है वो बॉल का सेक्शन सिलेक्ट करना है, कहाँ पे बॉल पटकी जाएगी, तो वो वाले सेक्शन में थोड़ी सा इश्यूज आ रहा है, बाकी जो गेम है वो प्रॉपरली वर्क कर रहा है। फ्रेंड्स आप इस तरीके से अपने फ़ोन को कनेक्ट कर सकते हैं कीबोर्ड और माउस से। मैंने अपने फ़ोन को कनेक्ट करके दिखा दिया है, देख सकते हैं मेरा जो फ़ोन है ये कनेक्ट हो चुका है कीबोर्ड और माउस से हमारे इस पोर्ट के सेक्शन की वजह से, ऑटोनिक्स जो हमारा पोर्ट है इसकी मदद से। तो आप भी अपने फ़ोन को कनेक्ट कर सकते हैं और अपने फ़ोन में कीबोर्ड और माउस दोनों का यूज़ कर सकते हैं। इसमें हमने गेमिंग वगैरह भी करके देखी, बाकी हमने नॉर्मली यूज़ भी करके देखा, काफ़ी बढ़िया चल रहा था। गेमिंग में थोड़ी बहुत इशूज़ थे, बाकी और किसी चीज़ में इशूज़ वगैरह नहीं है फ़ोन को ऑपरेट करने में। मुझे काफ़ी बढ़िया लगा ये सेटअप, आपको कैसा लगा ये सेटअप? अगर आपको कोई फ्रेंड यूज़ करना चाहता तो आप उसे ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक से साथ। तो फटाफट कर लीजिए वीडियो को लाइक और चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, और इस वीडियो को चाहे तो बिल्कुल किसी से शेयर कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।